खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। मैं मीसा पटेल स्वागत करती हूँ आप सभी का खबर 7C न्यूज चैनल में। आइए ले चलते हैं उत्तराखंड से, देखते हैं यह बड़ी खबर। देवभूमि में उत्तराखंड विधानसभा विकास नगर क्षेत्र में पिछले एक हफ्ते से लगातार रहस्यमय तरीके से बंदरों की मौत हो रही है। खबर से उसी की टीम जब ग्राम पंचायत पहुंची तो मौके पर गई तो ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक 80 से 90 बंदरों की मौत हो चुकी है, लेकिन संबंधित विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। खबर से उसी की टीम जब पहुंची तो वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया। आपको आज एक ऐसे प्रकरण से रूबरू करा रहा हूं कि इस क्षेत्र में काफी दिनों से बंदर जो है मर रहे हैं और उनकी अचानक डेथ होती जा रही है। और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बंदर पड़ा हुआ है जिसको अभी खोद के निकाला गया है, और इस तरह के जो 70-80 जो बंदर मरे हैं उनको भी दबा दिया गया है। और अभी तक इसमें कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसी जांच नहीं की गई है कि इनके मौत का कारण क्या है। तो सीधे इस बारे में जो यहाँ के ग्रामीण उनसे बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? सर सुरेंद्र कुमार, मीडिया को मेरी ओर से नमस्कार। सर एक हफ्ते से ऐसा चल रहा है कि इसका कोई नहीं पता चल रहा है कि बंदर किस वजह से मर रहे हैं ना, को अभी तक हो चुका है। तो आज हमने मीडिया के उससे और वन विभाग से बुला रखे हैं, मैंने कहा कम से कम इसका पता चले कि बंदर किस वजह से मर रहे हैं। तो सर ये नहीं, इनके मुँह से मरने से पहले ये 10-15 मिनट मुँह से खून आ रहा है, खून की वजह नहीं पता चली कि खून किस वजह से आ रही है। बस ये थोड़ी देर बाद खून निकल रहा है, उसके बाद अपने आप ही मर रहे हैं। तो लगभग कितने बंदरों की मौत हो चुकी है? 80-90 बंदर मर चुके हैं। ये बताएं कि जो बंदरों की मौत हो रही है तो माताजी मतलब जो है ना ये कब से ये मौतें हो रही है और जो है ना कितने बंदरों की मौत हुई? अब कितने तो जी, मैं तो बजुराज में घर में रहती हूँ, पर कभी 8-10 के करीब तो हो ही गए बच्चों, है ना, कितने तो हो ही गए हैं। ये तो अभी ठीक था, यहाँ पे सुबह आया ये के यहाँ नलके पे हमारे इसे पानी और अंगूर खिलाया था हमने इसे। हमने इसे संतरे दिए, छील छील के दिए, इसने चूसे वो निकाले, फिर जरा से चल रहा है गिर रहा है घुस घुस के वहाँ पे गया, वहाँ मरा है। तो जिस तरीके से यहाँ दबाए जा रहे हैं तो अगर कोई बीमारी है तो बीमारी भी तो आदमी को भी फैल सकती है। बिल्कुल अंतर ये इस बात को वही हो रहे कि सब रहते हैं बच्चे छोटे, हम गाय बच्चे सब, बीमारी भी हो सकती है। अब ये नहीं पता चल रहा कि ये कैसे हो रहा है, अचानक से ही मर रहे हैं। अचानक ही मर रहे हैं, ये तो 4-5 साल से यही रहते हैं, हमारे पूरे घर तोड़ दिए इन्होंने, क्या कर सकते हैं, जानवर हैं, इन्हें भी पेट से भूख लग रही है। नहीं तो आपने किसी को जानकारी नहीं दी, पुलिस प्रशासन को या फॉरेस्ट विभाग को, किसी को? घूमते हैं जी, अब मैं क्या पर्सन दूंगी, अब सब लोग ही देवे हैं ना, मेरे बस का थोड़ी। नहीं तो गांव वालों की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को सूचना देनी चाहिए। 2-3 दिनों से एकदम से हो रहा है ना, हमें भी नहीं मालूम पड़ा ये कौन जहर दे रहा है। प्रधान को, प्रधान जी तो हमारे ऐसे हैं, चाहे गाँव में कुछ भी होता रहे, एक बार पूछ निकले वही है। सर आपका परिचय? मैं एडी सिद्दीकी, रेंज ऑफिसर टोलपुर। सर ये जो बंदरों की जो इस तरीके से अचानक मृत्यु हो रही है पिछले 10-12 दिनों से, सर इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से क्या इसमें किया जा रहा है? हमारे संज्ञान में अभी आया, हम इसको लेकर भी जा रहे हैं। अभी इसका मतलब तो कि इसको पोस्टमार्टम कराने के बाद इसका तीसरा वाइल्ड लाइफ स्टूडेंट भेजने की भेज देंगे। सर जैसे कि ये जगह जगह इसमें मतलब अभी हम वो करेंगे कि मतलब ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें विस्तृत छानबीन करेंगे। नहीं सर ये सही है, लेकिन जो इस समय मर रहे हैं, कहीं खेत में मर रहा है, कहीं वहीं मर रहा है, गांव में जो दहशत का माहौल है कि कहीं बीमारी ना पड़े, इसकी क्या व्यवस्था है आपकी तरफ से? यही तो मैं अभी मतलब पहले इसको अभी डॉक्टर साहब इसको क्विक में तो कुछ सर होना चाहिए, जो स्टाफ अभी यहाँ सारा मतलब वो करता हूँ अपने इस इलाके का पूरा स्टाफ जी उसी में लगाता हूँ बीमारी का। थैंक यू सर। उसके बाद मतलब देखते हैं क्या है, मतलब ठीक है पूरा सहयोग मतलब है। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर सतीश जोशी, पशु चिकित्सा अधिकारी विकास नगर। सर ये जो अभी बंदरों के जो ये अभी डेथ हो रही है सर, तो सर इसमें आपका क्या कहना है? देखिए इसमें प्रथम दृष्टया तो कुछ भी बता पाना अभी कठिन है इसमें, क्योंकि ये जो जानवर है ये वाइल्ड लाइफ का मैटर है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये मिल करके इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं कि हो सकता है कि ये पॉइजनिंग है या ये कोई संक्रामक रोग है, उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। अभी प्रथम दृष्टया कुछ भी कहना कठिन है। सर कहा जैसे कि इनकी मौत हो रही है तो आम आदमी के लिए भी इस पर कोई फर्क पड़ सकता है? देखिए ये जो
बंदर होते हैं ये काफ़ी नज़दीक होते हैं हमारे जो हम मानव जाति है काफ़ी नज़दीक होते हैं, तो अगर कोई संक्रामक रोग है तो हमें इसकी देखभाल करने की ज़रूरत है कि क्यों मर रहे हैं। तो इसके लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये इसको विशेष तौर पर जो इंस्टीट्यूट है वही इसकी जाँच कर सकते हैं और तभी ये बताया जा सकता है कि किस वजह से इनकी मृत्यु हुई।